दोस्तों कि आप भी अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी एकदम फ्री में। आजकल मार्केट में कई सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं, वो भी बिना एक भी रुपए खर्च किए। पर इतने सारे ऑप्शंस पे कौन से कोर्सेज आपके लिए सही रहेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में जिनकी मदद से आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोर्स नंबर 1, गूगल डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। इस कोर्स को गूगल ने खुद ऑफर किया है और ये कोर्स हर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के फंडामेंटल सीखना चाहते हैं। इसमें आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए जरूरी स्किल सीखने को मिलेंगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग चैनल, जैसे कि ईमेल्स और सर्च के थ्रू कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट और इंगेज करना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केटिंग परफॉर्मेंस मेजर करने का भी तरीका आपको सिखाया जाएगा, वो भी एनालिटिक्स के थ्रू। आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना, ऑनलाइन परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और कस्टमर लॉयल्टी कैसे ग्रो करते हैं, ये सब भी इस कोर्स में सीखेंगे। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये कोर्स आपके लिए वर्थ इट होगा, तो इसे चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ। दूसरा कोर्स है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का फाउंडेशंस ऑफ फाइनेंस कोर्स। ये कोर्स एक सिंपल बट कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स का, जिसकी मदद से आप अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इस कोर्स में आप रियल वर्ल्ड केस स्टडीज और प्रैक्टिशनर इंटरव्यूज के साथ अपने नए नॉलेज को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में अप्लाई करना सीखेंगे। इस कोर्स के लिए कोई भी प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ इस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंसिडर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कोर्स की तरफ। तीसरा कोर्स IIM बैंगलोर की तरफ से है, जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस। रोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल डिसीजन प्लानिंग में इन्वॉल्व रहती हैं, जिसमें कॉर्पोरेट परचेज, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे चीजें इन्वॉल्व्ड हैं। सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस वैल्यू को मैक्सिमाइज करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस कोर्स में आप समझेंगे कि कैसे सही फाइनेंशियल डिसीजंस आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप बिजनेस फाइनेंस की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इस कोर्स को करना ही चाहिए। चौथा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये कोर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है ये समझने में आपकी मदद करेगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्रूशियल कॉन्सेप्ट से आपको फेमिलियराइज कराएगा। इस कोर्स में आप फाइनेंस के ब्रॉड एरियाज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डिटेल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के गोल्स और मार्केट शेयर को इम्प्रूव करने के तरीके शामिल हैं। इस कोर्स के थ्रू आप इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि वो कैसे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद आपको एक फ्री सर्टिफिकेट भी मिलेगा। चलिए पांचवें कोर्स की बात करते हैं, जो है एक्सेल बेसिक्स फॉर डेटा एनालिसिस। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्सेल कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा। इस कोर्स में आपको एक्सेल का बेसिक वर्किंग नॉलेज मिलता है, जो कि डेटा एनालिसिस के लिए जरूरी है। इस कोर्स में आप स्प्रेडशीट में बेसिक टास्क जैसे कि नेविगेशन, डेटा एंट्री और फॉर्मूला यूज करना सीखेंगे। इसके अलावा आप डेटा क्वालिटी टेक्निक्स को यूज करके एक्सेल में डेटा इंपोर्ट और क्लियर अप करना भी सीखेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप डेटा एनालिसिस के लिए फिल्टर, सॉर्ट, लुकअप फंक्शन, पिवट टेबल्स का यूज करके अपने डेटा को इफेक्टिवली एनालाइज कर पाएंगे। सिक्स्थ कोर्स है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च इन फाइनेंस। इस कोर्स में आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के की फीचर्स के बारे में सीखने को मिलेगा। इस कोर्स में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा और ये भी पढ़ाया जाएगा कि रिसर्च डेटा को कैसे प्रोड्यूस और एनालाइज किया जाता है। इस कोर्स में केस स्टडीज इंटरव्यूज भी इंक्लूडेड हैं, जहां पर आप एक्टिव रिसर्चर्स के इनसाइट्स को जानेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी कोर्स के बारे में। आखिरी कोर्स है डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट। ये आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देगा, जिसकी मदद से आप रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर बिजनेस के लिए रिस्क मैनेजमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को असेस और मैनेज करने में मदद करता है। इस कोर्स में आप समझेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की जरूरत क्यों होती है और उनके मेन स्टेप्स क्या है, जो कि हर बिजनेस प्रोफेशनल को जानना जरूरी है। ये कोर्स आपके रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, ये थे वो 7 फ्री फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन कोर्सेज जिनकी मदद से आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के फंडामेंटल्स को सीखना चाहते हो या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, ये कोर्सेज आपकी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। हर कोर्स आपको किसी ना किसी स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट बनाएगा और इन कोर्सेज को करने के बाद इनके सर्टिफिकेट से आप अपने रिज्यूमे को भी स्ट्रांग बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ये कोर्सेज बिल्कुल फ्री हैं।
अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल करने का सोच रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। सारे लिंक्स वहीं पर हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इनमें से कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और भी ज़्यादा ला सकें। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।